नमस्कार, आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। मैं प्रशांत हूँ, ये करनाल है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र, और ये मिनी सेक्रेटेरिएट है, और मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर किसानों का धरना दूसरे दिन जारी है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत मौजूद हैं। टिकैत जी, दूसरा दिन आप लोगों के प्रदर्शन का क्या रणनीति है? ऐसा लग रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद सरकार मान ले एसडीएम के सस्पेंशन पर। और मान लेगी, हम भी देख लेंगे कुछ। भाई सरकार मानने दो कुछ, सरकार तो मान ही नहीं रही। सरकार तो बहुत सख्त सरकार है, यहाँ की मान नहीं रही। सरकार सख्त है, आपके रुख कैसे हैं सरकार के प्रति? नहीं, हम तो नरम है, बिल्कुल बिल्कुल नरम आए थे, बिल्कुल। आप नरम है बिल्कुल बिल्कुल, मगर ऐसा लग नहीं रहा है। जो मुजफ्फरनगर में आप लोगों ने आगाज किया, जो आपने एकता का नारा दिया मुजफ्फरनगर से, उस दंगे के इतिहास को पीछे छोड़ते हुए, और फिर दूसरा पड़ाव आपका अब करनाल में है। आप लोग बंगाल भी गए थे? आ गए थे बंगाल जी। तो अभी क्या लब्बो लुबाब है, क्या आगे सोच रहे हैं, क्या तय? पूरे देश भर में जाएंगे, पूरे देश भर में मीटिंगें करेंगे, वहाँ पे जोड़ेंगे, और पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे। देश के नौजवान को, देश के व्यापारी को, देश का जो छोटा दुकानदार है उसको, देश के जो रेहड़ी पटरी पर लोग काम करते हैं उनको, क्योंकि वे 4.5 करोड़ लोग हैं, वे भी लोग बर्बाद होंगे। देश में जो बाहरी कंपनियां आ रही हैं देश में, और जो ठेका पत्रता है, इसे भी पूर्ण रूप से देश को नुकसान हो रहा है, तो जोड़ेंगे इन सबको। ये मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र है, उनकी जमीन है, उनका टर्फ है, अगर अंग्रेजी में कहूँ तो उन्हीं का ही है। हम और कर रहे हैं। क्या बात हुई आपसे? उन्होंने रीच आउट करने की कोशिश की, कुछ बात हुई हो आपसे? नहीं, बात नहीं, खट्टर साहब से कभी बात नहीं। खट्टर साहब के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? वे आ जाएं भाई, उनका गृह जनपद है, यहाँ पे मेहमान आ रहे हैं उनके सारे, और इनकी देखभाल करें यहाँ का। अगर यहाँ से बाहर के लोग आ रहे हैं तो वो आवे, और ये कहें कि मैं मेहमानों को देखने आ रहा हूँ, उनकी ठीक सुविधाएं हो रही नहीं हो रही, तो आना चाहिए उनको। मुख्यमंत्री को उसका क्षेत्र है यहाँ पे। अब तक का जो रुख सरकार का रहा है उसको देखकर लगता है सरकार बहुत सख्त है, ये बात आप भी कह रहे हैं। सरकार किसी चीज पर टस से मस होने को तैयार नहीं है, तैयार नहीं है। तो आपकी क्या नीति रहेगी, खासकर करनाल में क्या रहेगी? क्योंकि करनाल में जिस तरह से अब तक चीजें बढ़ी हैं, ऐसा लग रहा है जिस तरह से आप डटे हुए हैं कि आप आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप पता नहीं आखिरी लड़ाई कौन से पक्ष की आखिरी लड़ाई है, सरकार को तो मानना पड़ेगा। वे आज मान लो, वे 10 दिन में मान लो, वे 4 महीने में मान लो। तो अगर यहाँ बैठना पड़े तो कब तक तैयार है बैठने? नहीं, यहाँ तो सब लोग रहेंगे, यहाँ पर मोर्चे के लोग हैं हमारे, सब रहेंगे। मतलब यहाँ से उठने का आपका कोई इरादा नहीं है? नहीं, अभी तो किसी का कोई इरादा नहीं है। और आगे की कोई बातचीत सरकार से बढ़ने की? सरकार बात करेगी तो हम बात करेंगे। बात करने को आप राजी हैं? हाँ। सुलह करने को राजी हैं? हाँ, सुलह करने को राजी हैं। एक मांग, एक सूत्री मांग, क्या डीएम का सस्पेंशन है, उस पर क्या सुलह हो सकती है? अरे जब सारी चीजें हैं, अगर आपके कुछ हाथ में हो तो बताऊं। अब मैं ऐसे ही यहाँ पर ऐसे ही, हम तो यहाँ क्यों खाम खा चर्चा करें, अंदर कर लेंगे चर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे राकेश टिकैत, आप देख रहे थे दी ललन टॉप। हमारी कवरेज जारी है, लगातार हम नेताओं के साथ साथ यहाँ मौजूद लोगों से, इसके अलावा जो प्रशासन का पक्ष है वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। शुक्रिया।